गुजरात चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने एक ओर जहां राज्य में 156 सीटें जीतकर नया चुनावी रिकॉर्ड बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को इन चुनावों ने राष्ट्रीय पार्टी की सौगात दी है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका गुजरात ने ही दिया है। आपको राज्य में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली है, वहीं 128 सीटों पर आपके उम्मीदवारों को इतने वोट मिले हैं कि उन सभी की जमानत जब्त हो गई है। हारने वालों में आपकी ओर से बनाए गए गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दावेदार इशुदान गढ़वी और आपकी गुजरात प्रदेश इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया भी शामिल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें डेडियापाड़ा से चैतरभाई वसावा, बोटाड से उमेश भाई मकवाना, जामजोधपुर से हेमंत अहिर, विसावादर सीट से भूपेंद्र भयानी और गरियाधर से सुधीर वघानी ने जीत दर्ज की है। इशुदान गढ़वी खामबलिया सीट से हारे तो गोपाल इटालिया कतरगाम सीट से हारे। इसके अलावा 128 उम्मीदवार भी अलग अलग सीटों से हारे। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर जीत हासिल की है और 13% मत हासिल किए। आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन उसके द्वारा किए गए जोरदार चुनाव प्रचार और उसके दावों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। एक चैनल के चुनावी मंच पर केजरीवाल ने तो पंजाब की तरह गुजरात में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने की लिखित गारंटी तक दे दी थी, लेकिन उनका ये कॉन्फिडेंस धराशायी हो गया। चुनाव कैंपेन के दौरान आपने अपने और पार्टी संयोजक केजरीवाल को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एकमात्र चुनौती देने वाले के रूप में पेश किया था। गुरुवार को मतगणना में सामने आया कि पार्टी विपक्षी मतों को बांटने और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में ही कामयाब रही। वे राज्य में कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका से हटाने में भी विफल रही। गुजरात में 182 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 156 सीट जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस महज 17 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, जबकि जबरदस्त चुनाव प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी महज 5 सीट ही जीत पाई। निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 सीट तथा समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती। लगातार 7वीं बार जीतकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के लंबे शासन को भी अब पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के लिए राज्य की जनता को नमन किया और कहा कि गुजरात की जनता ने इस बार न सिर्फ कमाल किया बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड बना दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।